नाम सुनने को मिला, जग्गी जग्गी जग्गी। गांव वालों को विश्वास है मेरे ऊपर, इसीलिए देख लो आप कितना साथ दे रखा है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाओं हो, हर वर्ग का साथ। जो इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, इन विश्वास पर खड़े उतरेंगे। अगर भगवान की कृपा से, इनके आशीर्वाद से ये कलम सरपंच वाली मेरे पास आती है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा। साल के अंदर अंदर 2022 चल रहा है, 2025 की इसी 25 तारीख को गांव तलवाड़ी में हम जैसे ही आए, वहां पर सभी के मुंह से एक ही नाम सुनने को मिला, जग्गी जग्गी जग्गी। जी हाँ, तो इसलिए हम जग्गी जी से मिलने पहुँचे और जग्गी जी हमें नज़र ही नहीं आए क्योंकि उनके साथ भीड़ इतनी नज़र आ रही थी कि लगता है कि पूरा गांव ही इस वक्त सड़क पर उतर आया है प्रचार के लिए। इसलिए जग्गी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करेंगे। सर, आज आप प्रचार कर रहे हैं और एक जश्न जैसा माहौल, एक त्यौहार जैसा माहौल आपके साथ देखने को मिल रहा है, क्या वजह है इसकी? बस वजह शिवानी जी यही है, गांव वालों को विश्वास है मेरे ऊपर, इसीलिए देख लो आप कितना साथ दे रखा है। ठीक है, इनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। चलिए एक बार मैं तस्वीरों को दिखाना चाहूंगी। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग ही नजर आएंगे और ये वो लोग हैं, ये वो संघर्ष के साथी हैं जग्गी जी के, जो इस वक्त उनके साथ यहां पर गांव 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 में, पूरे गांव में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाओं हो, हर वर्ग का साथ यहाँ पर जग्गी जी के साथ देखा जा रहा है। सर, आपने जैसे महिलाओं का साथ है, युवाओं का साथ, हर वर्ग का साथ जो आपके साथ है, क्या कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया जी, इनका आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे भाइयों का, बच्चों का, बुजुर्गों का। ठीक है जी, अगर इन्होंने मेरे ऊपर कोई विश्वास जताया है, इसीलिए आप देख लो, सुबह से मैं कहीं और गया होता, फ़ोन कर रहे हैं अभी जल्दी आओ गांव में राउंड लगाना है, जल्दी आओ गांव में राउंड लगाना है। एक 1:30 बजे निकलना था, 4:30 बज गए। हाँ जी, अगर इन्होंने जो इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, इन विश्वास पर खड़े उतरेंगे। इस गाँव की तस्वीरें ऐसी बना देंगे, इसको चमका देंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इन्हीं सभी को आपसे उम्मीद है कि पहले भी आप काम करते आए हैं और आगे भी इन्हें उम्मीद है कि करते आए, क्योंकि इनकी इनका कहना है कि पहले भी जैसे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त पहले भी काम किए हैं, आगे भी काम करके, बड़ा सा बड़ा काम आपके लिए छोटा है, क्या इस बात में सच्चाई है कोई? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी 2007 से चला हुआ हूँ, कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अब भी जब इन्होंने मेरे को कलम की ताकत दे दी, फिर मैं तो और खुशी के बारा आगे चलूंगा। ठीक है जी, पहले भी मैं पीछे नहीं हटा, अब आगे भी नहीं हटूंगा। हाँ जी, ये बात मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो इन भाइयों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, अगर भगवान की कृपा से, इनके आशीर्वाद से ये कलम सरपंच वाली मेरे पास आती है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा। ठीक है, जिस तरीके से हम गाँव की एक बदलती हुई तस्वीर की उम्मीद करते हैं, वो कितने वक्त में हमको देखने को मिलेगी? देखो, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 2 साल के अंदर अंदर 2022 चल रहा है, 2025 की इसी 25 तारीख को आप आके देख लेना इस गांव की तस्वीर क्या होगी। हाँ जी, बहुत बड़ी बात जी। देखिए, गांव बदलती हुई तस्वीर आपको नजर आएगी, परिवार भी साथ है, बेटा साथ है इनके। सर, 2 मिनट दे दीजिए, परिवार का जो साथ है, मैम आप भी, ठीक है, जो परिवार का जो साथ है जग्गी जी के, क्या आप सरपंच बनने के बाद अभी ये जो साथ है यूं ही बना रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, साथ नाल ही रहांगे। पहले जो काम रहते हैं वही करांगे, स्ट्रीट लाइट लगेगी क्योंकि पिंड च रात नूं नेरा हुंदा, चोरी टप्पियां दा बहुत होर रहिंदा ही, इक कैमरियां दी बहुत लोड़ हैगी, इहदे करके नशा ते चोरी बहुत घटूगी वध तों वध। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आप लगातार सर के साथ लगातार प्रचार के लिए जा रही है, घर की जिम्मेवारी भी आपके अब गांव की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, कैसे करेंगे? सारी मेहनत करांगे, पहला भी शुरू तो करते आएंगे जी, अगे भी करांगे, साढ़े बापू जी होरी भी करते थे, दादा सौरा भी, 2 साल हो गए तो पहला दे कर देंगे असं शुरू तो, जेड़िया पिंड कमियां रह रही ने सारियां पूरियां करांगे जी। तो महिला शक्ति का जो साथ है आपके, क्या कहेंगे, इन्हें यूं ही साथ लेकर चलेंगे आगे? हाँ जी जरूर, इन्हों का पूरा साथ देवे, कोई भी इन्हों की कमी होगी असं इन्होंने पूरी करांगे नाल, हूँ भी पहला भी फिर देंगे अगे भी फिरांगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो परिवार का साथ है लगातार यूं ही जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर, जो महिला शक्ति भी है दूसरी आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल, एवं बहुत अच्छी यूनिटी है, सब तो बहुत वधिया पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। चलो काम की गल है, जिन्हें भी काम रुके हुए हैं है ना, गवर्नमेंट तक अगर पापा की अपील हैगी तो जिन्हें रुके काम ने सारे पूरे कराओ। एक बात ये भी है, जैसे आप वकील भी हैं चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, उसके बाद अगर सरपंच बन जाएगी, क्या गाँव के लिए भी अपना वक्त निकालेंगी आप?
हाँ वैसे पापा बनने ऑब्वियसली निकालूंगी जो मेरे दिमाग से जो चीज़ा मैं लगेगा भी ये चीज़ करनी है तो मैं बिल्कुल दसूंगी है ना जो होया वूमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बिल्कुल करूँगी अगे मैं कहनी हूँ वूमेन वेलफेयर लिए मैं बिल्कुल कहूँगी मम्मी भी कहनी हूँ पापा भी जो कुछ मैं लगेगा मैं बिल्कुल कहूँगी। एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से कोर्ट कचहरी में जाके ना मामले उलझ जाते खिंचते रहते हैं लेकिन कोशिश रहती है लोगों की सरपंच लेवल पर ही काम सरपंची लेवल पंचायत लेवल पर मसले सुलझ जाए तो हमको वकील या कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरपंची लेवल पर आप खुद ही सॉल्व कर देंगी। नहीं मैं बिल्कुल ये गल कर दी मैं छोटे होंदे तो देखती आ रही हूँ है ना मेरे दादा जी पड़दा मैं छोटे होंदे तो देखती आ रही हूँ भी ये गल्ला जिवें है ना सब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्ट वगैरह ये लोग अदालत इन्हां लिए बनी हुई ने है ना जिवें मैं अगे स्टडी की मैं पता लग रहा भी कोर्ट्स तक नहीं ये सब चीज़ा बहुत मसले होंगे ने पिंडा के जो लोग नहीं चाहते कोर्ट कचहरियों तक पैसे लाना है ना जो नहीं चाहते इन्ने भी गेड़े है ना लोग नहीं करते हैं पर जो पंचायत इन्ह बनिया पंचायत ही ने लोग अदालत सॉल्व हो जाता है तो शुरू तो ये देखते उन्हें अगे भी होंगे सब कुछ काम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए यहाँ पर महिला शक्ति उनके साथ है और कहना है कि भाई अब तो आपको कहीं बाहर जाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको गाँव में सरपंची लेवल पर ही हर मसला हल हो जाएगा। फिलहाल ये जो साथ है ये जो समर्थन है ये फिलहाल जग्गी जी के लिए साथ है और यहाँ पर हर वर्ग का साथ उनके साथ देखा जा सकता है और तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाई दिया है और फिलहाल ये साथ वोटिंग के दौरान कितना नज़र आएगा ये तो वक्त ही बताएगा और इस गांव में कितना विकास जो जग्गी जी से हमने बात की उन्होंने बताया कि 2025 की 25 तारीख को हम आएंगे उनके पास और देखेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ और वो अपने वादों पर कितना खरे उतर आए हैं। कैमरा पर्सन मनोज मेहरा के साथ में शिवानी हंस A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।